दिगवार सरकार पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज पंचम दिवस। व्यासपीठ बोले, भगवत कथा श्रवण मात्र से मानव की पाप राशि समाप्त हो जाती है। खबर कराहल से है, जहां कराहल वनांचल में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस समय यदि एक तरह से कहा जाए तो जंगल में मंगल बरस रहा है। दिन भर कथा के बाद रात्रि तक भगवान के भजनों पर भक्तगण झूमते रहते हैं। आज कथा का पंचम दिवस था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। व्यासपीठ महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण के पैदा होने के बाद कंस उनको मौत के घाट उतारने के लिए अपने राज्य की सर्वाधिक बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। पूतना भेष बदलकर भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी करते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा उनको भगवान इंद्र की पूजन करने से मना करते हुए गोवर्धन महाराज की पूजन करने की बात कहते हैं। इंद्र भगवान उन बातों को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने क्रोध से भारी वर्षा करते हैं, जिसको देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। वहीं भारी वर्षा को देख भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाकर पूरे नगरवासियों को पर्वत के नीचे बुला लेते हैं, जिससे हार कर इंद्र एक सप्ताह के बाद वर्षा को बंद कर देते हैं, जिसके बाद ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज के जयकारे लगने लगते हैं। इसी के साथ आज कथा में भगवान को प्रसाद के रूप में 56 भोग लगाया गया। आपको बता दें कि कथा के प्रारंभ से समापन तक दूर दराज से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। सभी कथा के माध्यम से भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं। समापन पर सभी श्रोताओं को भोजन भंडारे की व्यवस्था की जाती है। देखिए कराहल से संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डिगवार सरकार पे जो भागवत जी यहाँ चल रही है, क्या महत्व है मानव जीवन में भागवत कथा का? भागवत कथा का मानव जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भागवत कथा के सुनने से मनुष्य के जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, मन प्रसन्न रहता है और सारे कष्टों का नाश हो जाता है। भगवान की कृपा जब होती है तभी जा करके भागवत कथा का 100 भाग सुनने का प्राप्त होता है। भाई मनुष्य जीवन में जब बड़े भगवान की जब विशेष कृपा होती है, पुण्य कर्मों का उदय होता है, तब जा करके भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। ये भागवत कथा का विशेष महत्व है और जो निर्मल मन से भगवान की कथा का श्रवण करता है उसकी सारी पाप राशि का नाश हो जाता है। भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है और मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है।